नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज एक जिंदगी में सक्सेस कैसे बने हमने वीडियो बना रहा हूँ। अपने जीवन में सक्सेसफुल आदमी कैसे बने, आज सभी लोग चाहते हैं कि वो भी अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल बने। आज ऐसा कोई भी नहीं जो ये नहीं चाहते हैं कि वो कभी सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि दुनिया में उसी का तारीफ होता है जो सक्सेसफुल होता है। लोग उसी का उदाहरण देते हैं जो लोग सक्सेसफुल होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जीवन में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश राय, आपके पास एक अद्भुत आर्टिकल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये ध्यान करके सुनेंगे तो आपको जीवन में सक्सेस पाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंसान को क्या करना चाहिए जिसमें हमें फॉलो करके हम भी उन्हीं लोगों की तरह सक्सेसफुल इंसान में शामिल हो सकता हूँ। कहने का मतलब यह है कि हम भी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे। एक इंसान सक्सेसफुल जब होते हैं जब वो अपने ज़िंदगी में सभी चीज़ों के नियम के अनुसार चलते हैं, जो हमेशा टाइम के हिसाब से चलता है, जो समय का महत्व को समझता है, जो इंसान अपने से बड़े लोगों से लेकर अपने से छोटे लोगों तक का आदर करता है, दूसरे से तरक्की से जलने से बजाय उतना मेहनत करके तरक्की होना चाहते हैं, वही इंसान अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ में कुछ कर पाता है और वही इंसान सक्सेसफुल बनता है। बड़ा आदमी बनना है तो तीन शब्द का इस्तेमाल करें अपने ज़िंदगी में। एक इंसान अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए क्यों फेल हो जाते हैं, दोस्तों? कोई कोई इंसान कोई भी कामों को पूरी फोकसली के साथ नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कोई किए इंसान अपने कोई भी कामों को सीरियसली नहीं लेता, वह उसे मजाक की तरह करता है। लेकिन एक इंसान को अपने काम, चाहे वो कोई भी काम हो, उसे पूरी प्रॉपरली के साथ पूरी सक्सेस और सीरियस के साथ करना चाहिए, तभी वो इंसान सफलता की राह पर चल पाएगा और उसका फल भी मीठा होगा। आप किसी भी बच्चे की परीक्षा की एग्जाम्पल ही ले लीजिए। अगर कोई बच्चा अपने एग्जाम का तैयारी सीरियस के साथ करता है तो उसका फल भी अच्छा ही होगा, और जो बच्चा मजाक में एग्जाम को लेता है तो उसका फल उसी की तरफ तराई होगा। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी भर ऐसे देखे हैं जो सिर्फ सोचते हैं, उनका काम सिर्फ सोचना है, उससे अमल करना ही नहीं है। उन जैसे लोग अपने ज़िंदगी सक्सेसफुल होना तो दूर की बात, अपने ज़िंदगी में एक कदम भी बढ़ नहीं सकते। ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सोचते हैं और तुरंत करते हैं। क्योंकि मैंने अभी अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखा है, आप कोई भी काम को भविष्य में करने के लिए सोचेंगे तो वह कभी नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा कोई भी काम वर्तमान में करने के लिए सोचें और दूसरे को नीचा दिखाना और खुद आगे बढ़ना, ये गलत बात है दोस्तों। ये भी एक बहुत ही खास कारण है, आगे ज़िंदगी में अगर ना बढ़ने का
मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखा हूँ जो खुद को आगे बढ़ने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये सबसे घटिया तरीका है दोस्तों। अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, इससे अगर आप बड़े इंसान बन गए लेकिन आपको कभी भी इससे दुनिया का प्यार नहीं मिलेगा। आज लोग दूसरे से कंपेयर करने में लगे रहते हैं। आज लोग खुद को ना ज़्यादा देखकर दूसरे को ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेते हैं और दूसरे को सजेशन देते हैं। मैं कहता हूँ पहले आप अपनी ज़िंदगी बनाएं, फिर दूसरे को एडवाइस दीजिएगा। अपनी जीवन में सक्सेसफुल इंसान कैसे बने दोस्तों? सक्सेसफुल तो वो आप सभी को बनाना चाहते हैं, पर जो कठिन मेहनत करता है ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त कर लेता है, और जो सिर्फ सोचकर समय बर्बाद कर देता है कि मैं बड़ा आदमी बनूँगा यह कहूँगा को उस वैसे इंसान कुछ भी नहीं कर पाते। ये नीचे कुछ बातें को अपने साथ शेयर कर रहा हूँ जिसको आप अपने ज़िंदगी में फॉलो करके देखिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। कभी हार ना माने। अगर आपको ज़िंदगी भर कुछ हासिल करना है तो आप हमेशा प्रयास करते रहें। हाँ, आप कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर एक दो फेल हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को करना छोड़ दें। उस काम को करते रहें, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी उस काम में, और सक्सेस में आप 100% परफेक्ट रहेंगे। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो उसका कारण को समझिए। आखिरकार क्यों फेल हो रहे हो? ऐसा कहो पर गलती इसे कहाँ पर गलती कर रहे हो? मैं कि मुझे इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, और उस कमजोरी को पहचान कर दूर करो। और ज़िंदगी में आप जितना भी फेल हो लेकिन प्रयास करना कभी मत छोड़े। ज़िंदगी में हार कभी ना कभी ना माने, क्योंकि हार ना माने, क्योंकि वक्त सबका आता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें। आप कोई भी काम करने से पहले अपने आप पर विश्वास रखें। ये कभी मत सोचिएगा कि काम मुझसे नहीं होगा। हमेशा ये लेकर जाने ज़िंदगी में चले कि सभी काम को कर लूँगा। आखिरकार वो काम भी तो कोई इंसान ही करता है ना, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे क्या कमी है? उस कमी को अंदर आने मत दीजिए। अंदर आ भी जाए उसको निकल के बाहर फेंकिए। अगर आप हर बार सोच लेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो फिर वो काम आपसे कोई भी नहीं करवा सकता। इसीलिए ये मान के चलिए कि कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप तो मरीना ट्रेस के बारे में सुने ही होंगे, और अगर नहीं सुने तो आपको बता देता हूँ। मरीना ट्रेस दुनिया का सबसे गहरा जगह है। वहाँ अमेरिका देश के एक प्रशांत महासागर में उपस्थित है। मरीना ट्रेस इतना ही गहरा है जितना ज़मीन से आसमान से भी ऊपर की दूरी है। मरीना ट्रेस के अंदर रहने पर आपके ऊपर 4 जेट एरोप्लेन इतना भार लगेगा, जो सोच लीजिए वहाँ रहना तो दूर, वहाँ कोई जाने का सोच भी नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन वो बोलते हैं ना, खुद पर भरोसा। ठीक उसी तरह टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर ने उस मरीना ट्रेस की सफ़र करके लौटे और इतिहास बना दिए, क्योंकि उनको खुद पर भरोसा था। इसीलिए आप भी खुद पर भरोसा रखें। हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें।
अगर आपके ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है तो आप कभी भी ज़िंदगी में ना रुके, हमेशा बढ़ते जाए। यह चीज़ मनुष्य को सक्सेस तक ले जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ा सा सक्सेस मिल जाने के बाद वो सोचते हैं अब मुझे अपने ज़िंदगी में और कुछ करना ही नहीं है, अब यही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन आप कभी भी अपने ज़िंदगी में ना रुकें, सक्सेस को जितना प्राप्त करेंगे हमारे लिए बहुत कम है, और सक्सेस पाने के लिए ज़िंदगी में कभी ना रुकें। आपने समय को बर्बाद ना करें। हमेशा में हमारे देश में कहावत है कि जो कि पूरी तरह से सच्चाई पर बनी हुई है, जो समय एक बार चल जाता है वो समय फिर आपके ज़िंदगी में कभी नहीं आता। इस दुनिया में कई चीज़ बहुमूल्य ही है, तो वो समय अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो फिर ये समय आपकी ज़िंदगी को फेल की तरफ मोड़ देगा। मैं स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी को स्पेशली ये सलाह दूंगा कि भाई अपने पढ़ाई के समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें, बाद में बहुत ही पछतावा का सामना करना पड़ेगा और वो सामना तक सुसाइड भी कर सकता है, वहाँ तक पहुँच भी सकता है। आप हमेशा समय रहते अपने पढ़ाई को पूरी करें, तभी आप आगे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अपने ज़िंदगी में कभी को देखकर फैसला ना करें, अपने ज़िंदगी में किसी को देखकर फैसला ना कर लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को देखकर खुद भी वही फैसला कर बैठते हैं, जो बाद में उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी कोई फैसला ले आप खुद से सोच कर लें, दूसरे को देखकर वही फैसला ना लें। जैसे किसी भी विद्यार्थी का उदाहरण लेता हूँ, कोई बच्चा आमिर है और मान लेते हैं कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेता है जहाँ एक मध्यम वर्गों के लड़के को एडमिशन लेने की पॉसिबल नहीं है, पर वो लड़का अपने दोस्तों को देखकर वो भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, और आप समझ सकते हैं बाद में उसे कितना तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह कोई भी दूसरे को देखकर ऐसी डिसीजन मत लीजिए जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने ज़िंदगी में सक्सेस होने में बहुत मदद करेगा। आज से आप निश्चिंत कर ले कि आप आज से ही सब बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ वो दिन दूर नहीं जब आप वो ऊंचाई को छू लेंगे, वहाँ लोग जाने के लिए तरसता है। दोस्तों ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये वो तत्व है जो आपको ज़िंदगी में बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है, आपको पहुँचा सकता है अगर आप इसे अच्छे से पालन करेंगे तो। अगर आपको यह बात समझ में आता है तो अपने जीवन में सक्सेसफुल इंसान कैसे बनोगे। अच्छा लगा तो दोस्त हमारे वीडियो को शेयर करना मत भेज, और